वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चक्रवाती तूफान अम्फान से मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तबाही मचाने वाले अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण कम से कम 72 लोगों की मौत हो गई है। हजारों मकान नष्ट हो गए और निचले इलाकों में पानी भर गया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि जान माल के नुकसान का आंकलन करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों तक पहुंचना अभी संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य सचिवालय से मंगलवार रात से हालात पर नजर रख रही हैं। उन्होंने कहा कि अम्फान का प्रभाव कोरोना वायरस से भी भीषण है। अधिकारियों ने बताया कि वेस्ट बंगाल के नॉर्थ और साउथ 24 परगना जिलों में चक्रवात के कारण भारी बारिश और तूफान आने से खपरेल वाले मकानों के ऊपरी हिस्से तेज हवाओं में उड़ गए, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और निचले शहरों और गांव में पानी भर गया। कोलकाता में 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं ने कारों को पलट दिया। पेड़ और खंभे उखड़कर गिर जाने से कई अहम रास्ते बाधित हो गए। अधिकारियों ने बताया कि चक्रवात के कारण इन जिलों में गत रात हजारों लोग बेघर हो गए। उन्होंने बताया कि राज्य और शहर में 1000 से अधिक मोबाइल टावर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। कोलकाता के निचले इलाकों में सड़कें और मकानों में जलभराव हो गया। कोलकाता और राज्य के अन्य हिस्सों में कई जर्जर इमारतें ढह गई। यूनेस्को के धरोहर में शामिल सुंदरवन डेल्टा के तटबंध इस चक्रवात के कारण टूट गए। राज्य के कृषि विभाग के अनुसार बर्दवान, पश्चिम मिदनापुर और हुगली जिलों में धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। एनडीआरएफ और राज्य आपदा राहत बल के दल सड़कों को साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य में जुटे हुए हैं। पेड़ों के उखड़ने से बाधित हुई सड़कों को साफ करने के लिए भारी मशीनों को काम में लगाया है। जिले के कई आश्रय गृहों में लोगों को भोजन के लिए धक्का मुक्की करते और कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण बने सामाजिक दूरी के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए देखा गया। राज्य सरकार ने 5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। मौसम विभाग के अनुसार अम्फान पिछले 100 वर्षों में राज्य में आया सबसे प्रचंड तूफान है। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ चक्रवात बुधवार को दोपहर 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के दीघा घाट से टकराया, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हुई। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लोकमत न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।